सरदार पटेल सुपर 30 पटना का एक उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट जहां बच्चों को 9 से लेकर 12 तक ICSE बोर्ड CBSE बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही साथ IIT JEE और नीट के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। 30 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होता, हर एक बैच में सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट एंड इनका सक्सेस रेट जो है काफी ज्यादा है। आसनसोल का ये सरदार पटेल सुपर 30 का जो ब्रांच खुली है ये खास के नीट और जेई के लिए ये भूचाल लाने वाली संस्था। चैप्टर ऐसे पढ़ाते जैसे स्टोरी हो तो उसी टाइम सब कुछ याद हो जाता है। तो फाइनली गाइस सरदार पटेल सुपर 30 जो है आसनसोल में खुल चुकी है एंड ये गाइस सरदार पटेल सुपर 30 जो है ये पटना बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है और ये जानी जाती है यूनिक एजुकेशन के लिए, जहाँ पर गाइस जो है बच्चों को काफ़ी अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। इनका सक्सेस रेट जो है काफ़ी अच्छा है। क्लास 9 से लेकर के 12th के बच्चों को गाइस यहाँ पर जो है प्रिपेयर की जाती है। स्कूल के बच्चे रहते हैं 9 से लेकर 12th तक, तो क्या किया जाता है यहाँ पर दो तरीके के प्रोसेस से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, एक है लॉन्ग कट प्रोसेस, एक है शॉर्ट कट प्रोसेस। ये जो लॉन्ग कट प्रोसेस है ये हेल्प करती है बोर्ड एग्जाम पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए एंड जो ये शॉर्ट कट प्रोसेस है ये हेल्प करती है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर आप कह लो इंजीनियरिंग क्रैक करने। जी हाँ, तो जनरली लोग सरदार पटेल सुपर 30 ज्वाइन करते हैं अपना जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट एग्जाम क्रैक करने। फाइनली गाइस ये अपने आसनसोल में भी खुल चुकी है, टॉली लॉज पेट्रोल पंप के बिल्कुल साइड में ये वाली बिल्डिंग गई सेकेंड फ्लोर में सरदार पटेल सुपर 30। सो ऊपर चलते हैं गाइस, देखते हैं इंस्टीट्यूट एंड किस तरह का फैकल्टीज है, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, एक्सपीरियंस क्या है, सारा कुछ गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अगर गाइज आप क्लास 9 या फिर 12th का के स्टूडेंट हो एंड इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स गो। तो यहाँ से गाइज हम लोग जो है सेकेंड फ्लोर में जा सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, जैसे कि सबको पता है कि सुपर 30 किस चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि गाइज हर बैच में जो है सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट ही होता है, 30 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होता, हर एक बैच में सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट एंड इनका सक्सेस रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं CBSE एंड ICSE बोर्ड लगभग सब बोर्ड जो है सारे बोर्ड के स्टूडेंट यहाँ पर जो है आ सकते हैं, अपना इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। एड्रेस गाइस मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, डॉली लॉज पेट्रोल पंप के बिल्कुल अपोजिट में, रविंद्र नगर बर्नपुर रोड नियर डॉली लॉज पेट्रोल पंप आसनसोल WW। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर नंबर है गाइस, आप फ़ोन करके जो है डिटेल्स में पूछ सकते हो या फिर आके विजिट कर सकते हो। फिलहाल गाइस मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, फैकल्टी से मिलाता हूँ एंड सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेट्स गो। सरदार पटेल सुपर 30 के आसनसोल शाखा में हम लोग हैं। सरदार पटेल सुपर 30 पटना का एक उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट जहां बच्चों को 9 से लेकर 12 तक ICSE बोर्ड CBSE बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है, साथ ही साथ IIT JEE और नीट के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। सरदार पटेल सुपर 30 का जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है वो इस चीज पे बेस्ड कि वी नेवर हंट फॉर टैलेंटेड पीपल। आप हमारे को एवरेज बच्चे दें, हम उस पे वर्क करते हैं और उसको भीड़ से अलग करके परफॉर्मर बनाते हैं। बच्चा अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी बेहतर प्रदर्शन करता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है और साथ ही साथ जो हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारी पहचान है कि रिजल्ट के लिए हम जाने जाते हैं, तो रिजल्ट बच्चे अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देते हैं, तो हम बच्चों को एक बेहतर और सफल व्यक्ति से व्यक्तित्व में कन्वर्ट करते हैं। आसनसोल का ये सरदार पटेल सुपर 30 का जो ब्रांच खुली है ये खास के नीट और जेई के लिए ये भूचाल लाने वाली संस्था है और बहुत कम समय में बच्चे कैसे अचीव करेंगे इसकी पूरी काउंसलिंग यहाँ दी जाती है। तो भाई क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम सुबोधी बैनर्जी है। और ये कौन से स्कूल में पढ़ते हो तुम? हम सेंट पैट्रिक्स स्कूल में पढ़े थे 10th तक और 11th 12th श्रीहरि ग्लोबल में पढ़ते हैं। तो कैसा लग रहा है तुमको सरदार पटेल सुपर 30 में एडमिशन लेके? सर यहाँ पे मुझे बहुत पढ़ने में बहुत आसानी होती है और मज़ा भी आता है, सर लोग जैसे इंटरेक्शन करते हैं। मतलब पटेल सुपर 30 सब्जेक्ट्स वगैरह समझ में कैसे आता है? हाँ सर बहुत आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है और अगर डाउट होता भी है तो सर लोग बहुत। ये सरदार पटेल सुपर 30 में प्रिपरेशन करने का आइडिया किन का था, तुम्हारा था या तुम्हारे गार्जियन पापा का? सर मुझे भी मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था सुपर 30 जो पटना में है उसके बारे में और पटना बेस्ड है एक्चुअली, ये पता है तुमको सुपर ये जो पटना बेस्ड सरदार पटेल सुपर 30 ये पटना बेस्ड है। हाँ सर, और यहाँ पे जब आया था मतलब सरदार पटेल सुपर 30 का कोचिंग क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तब पापा बोले थे कि ऐसा ऐसा है तो पापा ने तुरंत मुझे एडमिशन दे दिया है और मैं भी मतलब अग्री किया। अभी तुम क्लास 11th में पढ़ रहे हो? हाँ सर अभी। तो लगभग साल भर है तुम्हारे पास? हाँ सर। प्रिपरेशन करने की? हाँ सर। तो क्या लगता है क्लियर हो जाएगा? हाँ सर बहुत प्रिपरेशन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। साल भर है तो आई होप और भी मतलब अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से सब्जेक्ट्स वगैरह सारा क्लियर है, सब कुछ सही से जा रहा है। क्या नाम है आपका? स्मृति कुमारी। आप कौन सी क्लास से हो? 9।
सेम बोर्ड या फिर अलग? नहीं, आईसीएसई बोर्ड। तो आपको भी क्या इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल? नहीं, मेडिकल। मेडिकल करनी है। तो प्रिपरेशन कैसे चल रही है? अच्छा चल रहा है, और डाउट्स आर क्लियर किया, सारा कुछ क्लियर हो गया। अगर बाकी सारे ट्यूशन में देखा जाए तो नॉर्मली बुक्स के हिसाब से क्लियर हो जाता था, लेकिन मतलब यहाँ पे टोटली पूरा डाउट्स क्लियर है। पूरा डाउट्स, मतलब आपके हिसाब से प्रिपरेशन जो है काफ़ी सही है। क्या क्या लगता है, आपको निकल जाएगा आपका? यस, आराम से। जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रही है निकल जाएगा। क्या नाम होगी आपका? रिया रजक। और आप कौन से क्लास में हो? 10th। सेम बोर्ड पे या फिर कुछ? CBSE बोर्ड पे। मतलब यहाँ पर डिफरेंट टाइप बोर्ड्स के भी मतलब बच्चे आते हैं। तो आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल? मेडिकल करना है। आपके हाथ में 2 साल है लगभग। हाँ। तो सरदार पटेल सुपर 30 में आके कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है, किस तरह की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे? बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जितने भी फैकल्टी के टीचर्स हैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और हमारे जो मैथ्स वाले सर हैं कोई भी लेंथी क्वेश्चन को बहुत स्मॉल वे में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग अगर कुछ देंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा। और साइंस के टीचर्स वो लोग चैप्टर ऐसे पढ़ाते हैं जैसे स्टोरी हो, तो उसी टाइम सब कुछ याद हो जाता है। और मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग प्रिंटिंग मिस्टेक्स कभी भी होते हैं बुक्स में, तो सर देख के समझ जाते हैं कि यह क्वेश्चन गलत है, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ के। तो यहाँ पे आसनसोल में सरदार पटेल सुपर 30 की जो संस्था है उसकी जो डायरेक्टर हैं श्रीमती किरण सिंह, जिनकी ये एक असीम इच्छा थी कि आसनसोल में एक ऐसा संस्थान खुले कि आसनसोल के उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए आसनसोल से जो बाहर जाना पड़ता है, बच्चे दुर्गापुर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, और जिसका कोई खास रिजल्ट जो है वो नहीं दिखता है, तो पेरेंट्स के पैसे की भी हानि होती है, समय की भी बर्बादी होती है, और साथ साथ ये एक ट्रेंड देखा गया है कि बाहर जाकर बहुत बच्चों में बुरी संगति भी आ जाती है। इसलिए उनकी ये सोच थी कि आसनसोल में एक ऐसा संस्थान हो जहां घर बैठे, घर के पास, घर में बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था हो, बच्चे 9th से 12th तक इनरोल करके अपने स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करें, बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाएं, और साथ ही साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन IIT JEE और नीट में सफल हो गए, और आसनसोल के लिए ये बड़े गौरव की बात होगी। उनकी इच्छा यही है कि आसनसोल के बच्चे आसनसोल में शिक्षा प्राप्त करें और अपने मकाम तक पहुंचे। तो कितने दिन हो चुके हैं, मतलब ये सुपर 30 जो है सरदार पटेल सुपर 30 आसनसोल में खुल चुके हैं? संस्थान का उद्घाटन जो है वो 11 अप्रैल को हुआ, ठीक है, और 11 अप्रैल के बाद से विधिवत ये हमारी शाखा चल रही है। तो लगभग 1 महीने से ऊपर ही चल रही है, तो अभी एडमिशन प्रोसेस चालू है। हाँ, अभी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि हर एक बैच में जो है 30 स्टूडेंट लिए जाते हैं। हाँ, क्योंकि 30 स्टूडेंट रखने के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है कि जब आपके पास क्लास में या बैच में बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो हम 1-to-1 इंट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, और जब तक बच्चे आपके eye-to-eye कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो शायद आप आसानी से ये पता नहीं कर सकते हैं कि आपने जो एज ए टीचर उनको डिलीवर किया है, पढ़ाया है, समझाया है, वो उनकी समझ में आया ही नहीं। इसलिए कॉन्सेप्ट यही रखा गया है कि हम एक बैच में मैक्सिमम 30 बच्चे को ही रखेंगे, और अगर बच्चों की संख्या 30 से ज़्यादा होती है तो उसके लिए हम अलग बैच की व्यवस्था करेंगे। मैंने गाइस जो है सरदार पटेल सुपर 30 का सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर के साथ एड्रेस भी मिल जाएगा। कुछ भी गाइस इंक्वायरी हो तो आप डायरेक्टली जो है फ़ोन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट विजिट करके आप देख सकते हो। तो वीडियो गाइस कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।